मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपको। स्क्रीन शो हो रही है क्या आपको? हाँ धर्मेंद्र, विवेक सिंह, धर्मेंद्र, विवेक सिंह आ गए। विवेक सिंह और हरी सिंह, हरी सिंह का नेटवर्क प्रॉब्लम में इश्यू आ रहा है। चलो अपन स्टार्ट करते हैं। हुए अब देखिए, एनवायरनमेंट में अपन ने लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था कि फ्लोराइड के बारे में पढ़ा था और क्लोराइड के बारे में अपन ने पढ़ा था, ठीक है। तो अपन आज गैसेस के बारे में पढ़ते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस इन वाटर, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें गैसेस कौन कौन सी होती है। एक तो होती है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, और CO2 होती है, और NH3, और CH4, और O2, ठीक है ना, और नाइट्रोजन भी होती है, गैस गैस में आती है ना। तो H2S जो होती है वो रोटन एग की तरह अपने को स्मेल देती है, ठीक है। रोटन एग जो सड़ा हुआ अंडा होता है उसकी तरह जो भी बदबू आती है वो H2S की होती है। और CO2 CO2 होती है, इट एड्स टेस्ट एंड ऑर्डर इन वाटर एंड कॉजेज कोरोजन। जो CO2 होती है ये टेस्ट एंड ऑर्डर को मतलब बताती है, टेस्ट एंड ऑर्डर से पता चल जाता है, और इसके कारण क्या होता है, कोरोजन होता है वाटर, मतलब ये जब भी CO2 ज्यादा ऐड होगी तो वाटर जो है एसिडिक हो जाएगा, ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा, कोरोजन हो जाता है। NH3 अमोनिया है ना, अमोनियम जो गैस होती है वो NH3 है, और CH4 मैथेन, इट इज ऑन एक्सप्लोजिव गैस। मैथेन जो होती है एक्सप्लोजिव गैस होती है, और ये हाई कैलोरीफिक वैल्यू देती है। O2, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ O2 ये क्या होता है, अपने को जितना ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो उसमें क्या होगा, मतलब ऑर्गेनिक मैटर जो है वो रिड्यूस होता जाएगा धीरे, उनको पता चलेगा जो ऑर्गेनिक मैटर है उसका डिकम्पोजिशन मतलब सॉरी जितना ऑक्सीजन होगा तो अपने को पता चले इतना प्योर वाटर है, ठीक है। अब देखते हैं, सबसे पहले अपन ऑक्सीजन के बारे में देखते हैं थोड़ा बहुत, ये ऑक्सीजन क्या होता है। जब वाटर में ऑक्सीजन ऐड होती है तब क्या होगा, नहीं होती है क्या होता है, उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। मैक्सिमम ऑक्सीजन दैट मे बी डिसॉल्व इन वाटर एट एनी गिवन टेम्परेचर इज टर्म्ड एज सैचुरेशन डिसॉल्व ऑक्सीजन। मतलब जो भी मैक्सिमम ऑक्सीजन होती है वो डिसॉल्व होती है वाटर में कोई भी टेम्परेचर पर, इसको अपन कहते हैं सैचुरेशन डिसॉल्व ऑक्सीजन। मतलब जो सैचुरेशन डिसॉल्व ऑक्सीजन होती है उसको अपन लिख सकते हैं, जो टोटल डिसॉल्व ऑक्सीजन इक्वल टू होता है डिसॉल्व ऑक्सीजन सैचुरेशन माइनस डिसॉल्व ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपने पास ऑक्सीजन। तो डिसॉल्व सैचुरेशन ऑक्सीजन जो होती है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 9.2 मिलीग्राम पर लीटर होती है। कितनी होती है, 9.2 मिलीग्राम पर लीटर। एंड डिसॉल्व ऑक्सीजन सैचुरेशन होती है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 0 मिलीग्राम पर लीटर होती है, ठीक है। आई बात समझ में,
अब देखिए, एनी डेफिशिएंसी ऑफ O2 इन वाटर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। कोई भी अगर डेफिशिएंसी होती है ऑक्सीजन की, अगर मैं कहता हूँ कोई भी वाटर है उस वाटर में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो ये प्रतीक है कि पानी में ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंस है। ये किसका प्रतीक है कि मतलब जब भी ऑक्सीजन जो है वो कम हो रही है, तो इसका मतलब अपन कह सकते हैं ये शो कर रहा है कि वाटर में ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है। ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब उसके बाद डिजोल्व ऑक्सीजन इन वाटर इज मेजर्ड बाय विंकलर टेस्ट। जो भी डिजोल्व ऑक्सीजन होगी वाटर के अंदर वो किसके द्वारा मेजर्ड किया जाता है, विंकलर टेस्ट के द्वारा, ठीक है। अब विंकलर टेस्ट के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं इसमें क्या होता है कि जब भी कोई डिजोल्व ऑक्सीजन होती है अगर वो वाटर में एबसेंट है, तब अपन क्या करेंगे, वाटर सैंपल के साथ MnSO4 मैंगनीज सल्फर सल्फेयर का जो है अपन रिएक्शन कराएंगे MnSO4 प्लस NaOH प्लस Ki, इनका जब आपस में अपन रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, MnOH2 अपने को ऑब्टेन होगा और जो एक तरह से प्रेसिपिटेशन फॉर्म में होगा और उसका वाइट प्रेसिपिटेशन होगा। इससे जब भी मतलब वाटर सैंपल के साथ मैं MnSO4 की रिएक्शन करवाता हूँ और प्लस साथ में NaOH प्लस Ki ऐड करता हूँ, तो एक वाइट प्रेसिपिटेट बनता है MnOH2 का, जिसके अकॉर्डिंग अपन कह सकते हैं कि इस वाटर सैंपल में डिजोल्व ऑक्सीजन एब्सेंट है, ठीक है, डिजोल्व ऑक्सीजन एब्सेंट है। और नेक्स्ट अपन देखते हैं कि यदि डिजोल्व ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, यानी कि वाटर में अगर डिजोल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो उसका मतलब अपन कह सकते हैं कि वाटर सैंपल मैं अगर किसी के साथ MnSO4 की रिएक्शन करवाता हूँ प्लस NaOH Ki, ऐसा वाटर सैंपल जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, तो ये MnO2 जो बनेगा वो रेड या ब्राउन कलर का बनेगा, तो क्या बनेगा MnO2, ठीक है ना। तो क्या बनेगा अपने पास, MnO2 बनेगा जो रेड या ब्राउन कलर का होगा। अब मैं इस जो MnO2 रेड हो या ब्राउन कलर का होगा इसके साथ मैं क्या बनाऊंगा, H2SO4 ऐड कर देता हूँ और प्लस आयोडाइड तो होगा ही अपने पास, तो वो आयोडाइड H2SO4 और MnN2 ये मिलके क्या बनाएंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके I2 बना देंगे आयोडाइड, और ये वापस I2 जो है वापस I- के साथ रिएक्शन करके I3 बना देगा, जो क्या होता है येलो कलर का होता है, ठीक है, जो क्या होता है येलो कलर का होता है। और फिर अपन एक इंडिकेटर डाल देते हैं स्टार्च, जब भी स्टार्च इंडिकेटर डालेंगे तो इसका क्या है, ये ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा इसका, तो ये जो येलो कलर से अपने पास ब्लू कलर का एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, उस ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन को अपन किसके साथ ट्राइट्रेशन करते हैं, 0.01 नॉर्मेलिटी का Na2S2O3 के साथ, मतलब एक ब्यूरेट में अपन ये भर देंगे और नीचे अपने पास ब्लू कलर सैंपल होगा ही कॉम्प्लेक्स, उसमें जब ये अपन ऐड करेंगे तो क्या होगा, जब तक मेरे पास ये इसका पूरा कलर लेस हो जाएगा, मतलब ये डीकलराइज हो जाएगा ये सैंपल, तो अपन कह सकते हैं जितने वॉल्यूम पे वो आएगा तो अपन वहाँ पे अपन कह सकते हैं कि इसमें डिजोल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है, डिजोल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो इसका वॉल्यूम अपन निकाल लेंगे और उसके बाद अपन I2 और O2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, आई बात समझ में। अब आता है नाइट्रोजन कंटेंट क्या होता है, ये मतलब 78% जो है ये एटमॉस्फेयर में गैस होती है, ठीक है ना, नाइट्रोजन गैस जो है 78% अराउंड जो है वो एटमॉस्फेयर में होती है। अब मैं कहता हूँ माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वाटर, ये जो है एक तरह से बहुत ही मतलब कम ऐसा कम मात्रा में जो वाटर में रहती है, प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन इन वाटर इंडिकेट्स इट्स पोल्यूशन ड्यू टू ऑर्गेनिक मैटर। अगर मैं कहता हूँ नाइट्रोजन गैस अगर वाटर में प्रेजेंट है तो वो कैसे पता चलेगी, अगर ऑर्गेनिक मैटर के कारण वाटर में पोल्यूशन हो रहा है तो अपन कह सकते हैं कि नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। अगर मैं कहूँ
कि इट इज फाउंड इन फॉलोइंग डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है, ये डिफरेंट फॉर्म में फॉलोइंग होता है। तो एक तो होता है फर्स्ट फ्री अमोनिया, सॉरी फ्री नाइट्रोजन, तो फ्री नाइट्रोजन अपन कह सकते हैं अमोनिया। तो फ्री नाइट्रोजन को अपन कह सकते हैं अमोनिया, ठीक है। तो इसमें देखिए, इट इंडिकेट्स रीसेंट पोल्यूशन ड्यू टू ऑर्गेनिक वाटर। जब भी फ्री अमोनिया वाटर में प्रेजेंट है वो कैसे है, तो अपन कह सकते हैं कि जो रीसेंट पोल्यूशन हुआ है वो किसके कारण हो रहा है, ऑर्गेनिक वाटर के कारण। ऑर्गेनिक वाटर के कारण जो भी रीसेंट पोल्यूशन होगा वो किसको इंडिकेट करता है, फ्री नाइट्रोजन या फिर अपन कह सकते हैं अमोनिया। आई बात समझ में। और इसको मेजर कैसे करते हैं, मेजरमेंट बाय बॉइलिंग अमोनिया गैस लिबरेटेड। अपन क्या करेंगे, इसको बॉइलिंग कर देंगे सैंपल को, जिससे क्या होगा, जो अमोनिया गैस है वो बाहर निकल जाएगी, ठीक है। फिर अपन क्या कह सकते हैं, बाय बॉइलिंग ऑफ वाटर डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर टेक्स प्लेस, ठीक है। जैसे क्या होगा, जो बॉइलिंग वाटर जो होगा उसका क्या हो जाएगा, डीकम्पोजिशन होगा ऑर्गेनिक मैटर का, जिससे अमोनिया गैस अलग हो जाएगी और वाटर अलग हो जाएगा। तो इसे कह सकते हैं टू सेपरेट अमोनिया एंड वाटर बाय डिस्टिलेशन, ठीक है। इस तरीके से अपन इसका मेजरमेंट करते हैं अमोनिया गैस का। इसकी लिमिट होती है, एक्सेप्टेबल लिमिट होती है, वो होती है 0.15 mg/L, और कॉज फॉर रिजेक्शन कोई लिमिट नहीं होती इसकी, ओनली फॉर एक्सेप्टेबल लिमिट होती है, वो कितनी होती है, 0.15 mg/L, ठीक है। आई बात समझ में आया सबको, यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? नो सर। ठीक है, आगे बढ़ू। अब देखिए, अब ऑर्गेनिक अमोनिया आता है, सेकंड पॉइंट है ऑर्गेनिक अमोनिया, ये भी एक तरह से नाइट्रोजन का ही पार्ट है, नाइट्रोजन कंटेंट का। तो इसमें क्या होता है कि इट सिग्निफाइज प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर। कि जब भी मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होगा वाटर के अंदर, तो अपन कह सकते हैं कि ये ऑर्गेनिक अमोनिया है, ठीक है ना। इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं, वो भी बॉइलिंग के द्वारा मेजरमेंट करते हैं, वो भी बॉइलिंग के द्वारा मेजरमेंट करते हैं। इट इज डिटरमाइंड बाय बॉइलिंग द ऑलरेडी बॉइल्ड सैंपल, जो भी अपन ऊपर अपन ने ये यहाँ पे बॉइल्ड किया था वाटर, उसको अपन ऑलरेडी बॉइल्ड सैंपल को, वाटर को जो है उसके साथ क्या कर सकते हैं अपन, एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन रिएजेंट लाइक पोटेशियम परमैंगनेट एंड नोटिंग द अमाउंट ऑफ गैस लिबरेटेड। यानी कि जो अपन ने ऊपर यहाँ पे इस केस में फ्री नाइट्रोजन था, उस केस में अपन ने ऑलरेडी अपन ने सैंपल को बॉइल कर रखा था, उसके बाद अगर अपन फिर नेक्स्ट कंडीशन में बॉइल्ड करते हैं उस सैंपल को, तो क्या होता है, और वो किसके साथ, वो करेंगे अपन KMnO4 के साथ, ठीक है। उसके बाद जो भी गैस निकलती है उसको अपन नोट डाउन कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ऑर्गेनिक अमोनिया को अपन मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो और क्या होता है, फ्री अमोनिया और प्लस ऑर्गेनिक अमोनिया, ये देखो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, फ्री अमोनिया प्लस ऑर्गेनिक अमोनिया दोनों को अपन कह सकते हैं केजलदास अमोनिया, ठीक है, केजलदास अमोनिया। तो ये इसका नाम है, तो ये आप याद कर लेना। लिमिट जो होती है, एक्सेप्टेबल लिमिट ऑर्गेनिक अमोनिया की, वो 0.3 mg/L होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आता अपने पास नाइट्राइट क्या होता है, इसको अपन लिख सकते हैं NO2-. अब ये कह सकते हैं प्रेजेंस ऑफ नाइट्राइट इन वाटर इज हाईली डेंजरस, इट इंडिकेट्स द पार्शियल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। मैं कहता हूँ अगर नाइट्राइट अगर वाटर में प्रेजेंट हो गई, वो बहुत ही खतरनाक हो सकती है अपने
ह्यूमन बॉडी के लिए, ठीक है ना। तो ये कैसे पता चल जाता है अपने को कि नाइट्राइड है? अगर किसी भी ऑर्गेनिक मैटर का पार्शियल डिकम्पोजिशन हो रहा है, अगर किसी भी ऑर्गेनिक मैटर का पार्शियल डिकम्पोजिशन हो रहा है तो अपन कह सकते हैं कि नाइट्राइड प्रेजेंट है, ठीक है। इसकी लिमिट जो होती है वो 0 mg/L होती है। इसको बिल्कुल नहीं लेते अपन, है ना। इसकी लिमिट कुछ भी नहीं रखते, जीरो होना चाहिए नाइट्राइड, ध्यान रखना, ना। और इसको मेजरमेंट करते हैं कलर मैचिंग टेक्निक से, कलर मैचिंग टेक्निक्स के साथ। एंड कलर इज इंड्यूस्ड बाय एडिंग ऑफ सल्फोनिक एसिड एंड नेप्थामिन। ये तभी कलर इंड्यूस्ड होना चाहिए जब अपन ऐड करते हैं सल्फोनिक एसिड एंड नेप्थामिन। जब ऐड करेंगे जो भी कलर इंड्यूस होगा तो अपन कह सकते हैं कि इसमें नाइट्राइड है, ठीक है। तो ये कलर मैचिंग टेक्निक्स के द्वारा अपन इसको मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। एक स्टैंडर्ड सैंपल लेते हैं और एक टेस्ट सैंपल लेते हैं, दोनों के साथ अपन उनमें जो भी वेरिएशन होगा वो नोट डाउन कर देते हैं, ठीक है। अब आता है नाइट्रेट। नाइट्रेट होता है NO3-। ये क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट इज नॉट हार्मफुल, मतलब NO3- अगर प्रेजेंट है तो ये हार्मफुल नहीं है अपने बॉडी के लिए। एज इट स्लाइटली द कंप्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ये अपने को पता चलता है जब मतलब पूरा ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन हो गया है, मतलब कंप्लीट डिकम्पोजिशन हो गया है ऑर्गेनिक मैटर का, तभी नाइट्रेट उसमें प्रेजेंट रहता है वाटर में, ठीक है। तो इसकी लिमिट अपन ले सकते हैं 45 mg/L तक। इसकी लिमिट कितनी ले सकते हैं? 45 mg/L तक, ठीक है। बट इफ इट इज प्रेजेंट मोर देन 45 mg/L, अगर ये 45 mg/L से ज्यादा हो गया है तो अपन कह सकते हैं इसके कारण क्या होगा, मैथोमेग्लोबेनेमिया जो रोग है वो हो जाता है, या फिर इसको कह सकते हैं ब्लू बेबी डिजीज, यानी कि इसके ज्यादा कंजम्पशन से जो बेबी है वो ब्लू हो जाते हैं पूरे, है ना, ब्लू हो जाते हैं, जिससे वो डिजीज क्रिएट हो जाती है। आई बात समझ में? तो इसलिए इसकी ज्यादा अपन NO3 जो है वो एक्सेस में नहीं लेंगे, यानी कि 45 mg/L तक अपन ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर NO3 अगर इसके साथ में मतलब NO3 जो है NO3 से जब NO2 बन जाता है तो क्या हो जाता है, ये NO2 जो है ये हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करता है, जिससे HbNO2 बनता है, जो क्या होता है, जो मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑक्सीजन डिस्प्लेस, यानी कि जो ऑक्सीजन को है वो डिस्प्लेस्ड कर लेता है, आई बात समझ में, जिससे अपने को ये ब्लू बेबी या फिर मैग्लोबनीमिया जो रोग है वो हो जाते हैं, डिजीज हो जाती है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया क्या? इसका मेजरमेंट अपन कलर मैचिंग टेक्निक्स के थ्रू ही करते हैं, और इसका कलर इंड्यूस्ड बाय फिनोल डाई सल्फोनिक एसिड प्लस पोटेशियम हाइड्राइड, मतलब ये दो इंडिकेटर है, जब भी ये दोनों ऐड करेंगे तो इसका कलर इंड्यूस्ड हो जाएगा, क्या फिनोल डाई सल्फोनिक एसिड या फिर प्लस पोटेशियम हाइड्राइड, ठीक है। तो ये इसके मेजरमेंट हो गए। ठीक है, अब एक बार वापस से देख लो, मैं टाइप एक बार रिवीज देख लो, एक बार रिवीज करके इसमें कोई आपको कोई दिक्कत है या डाउट है तो बता दीजिए मेरे को। ये मतलब डिफरेंट टाइप की गैसेज होती है, इसमें H2S होती है, CO2 होता है, NH3 होता है और CH4 और O2 होता है, ठीक है। ये रोटन एग की तरह अपने को इसकी बदबू आती है, ठीक है। और CO2 जो होता है जब भी अपन वाटर के साथ ऐड करते हैं तो वो कोरोजन क्रिएट करता है, ठीक है। NH3 अमोनिया है और CH4 ये क्या है, एक्सप्लोजिव गैस होती है। O2 जो है ये वाटर के साथ ऐड करते हैं तो जिससे क्या होगा, वाटर जो है प्योर होता रहेगा। ऑक्सीजन के बारे में बताया था कि ऑक्सीजन जो है ये जब भी अपन ऑक्सीजन को डिजोल्व करते हैं तो क्या होगा, वाटर जो है वो उसमें जो भी वाटर
ऑक्सीजन को ऐड करेंगे वाटर के साथ, तो उस टाइम पे जो डिजोल्व ऑक्सीजन होगी उसे अपन क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड डिजोल्व ऑक्सीजन, ठीक है। और डिजोल्व ऑक्सीजन जो सैचुरेटेड होती है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे 9.2 मिलीग्राम पर लीटर होती है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो जीरो होती है, ठीक है। तो ये डिजोल्व ऑक्सीजन जो सैचुरेशन डिजोल्व ऑक्सीजन होती है उसकी लिमिट है। एनी डेफिशिएंसी अगर कोई भी कमी होती है O2 में, तो अपन कह सकते हैं क्या है, वाटर में ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर है। अगर वाटर जो डिजोल्व ऑक्सीजन होता है वो किसके द्वारा मेजर किया जाता है, विंकलर टेस्ट के द्वारा, ठीक है, विंकलर टेस्ट के द्वारा मेजर किया जाता है। यदि मैं कहता हूँ डिजोल्व ऑक्सीजन एबसेंट है, तो वाटर सैंपल प्लस MnSO4 और प्लस NaOH प्लस KI की मैं रिएक्शन करवाऊंगा, तो मेरे पास MnOH2, ये मेरे को इसका प्रिसिपिटेशन मिलेगा, ठीक है, जो वाइट कलर का होगा, जिससे अपने को इंडिकेट होता है कि डिजोल्व ऑक्सीजन वाटर में एबसेंट है। अगर डिजोल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट है, मैं मान लेता हूँ कोई सैंपल लेता हूँ ऑक्सीजन के, डिजोल्व ऑक्सीजन वाला सैंपल लेता हूँ वाटर सैंपल, और उसके साथ मैं MnSO4 प्लस NaOH प्लस KI की रिएक्शन करवाता हूँ, तो क्या हो जाएगा, जब भी MnO2 इसका प्रिसिपिट बन जाएगा रेड या ब्राउन कलर का, तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ इसमें डिजोल्व ऑक्सीजन है, ठीक है। अब इसके फर्दर मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ कराऊंगा, H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाऊंगा, और प्लस आयोडाइड जो मेरे पास बचेगा उसके साथ भी ये इसकी रिएक्शन होगी, तो मेरे पास I2 बन जाएगा, और I2 की वापस अगेन I से रिएक्शन होगी तो I3- बन जाएगा, ठीक है। ये येलो कलर का होगा, ठीक है, येलो कलर का होगा। फिर इस येलो कलर आयोडाइड के साथ मैं क्या कर दूंगा, स्टार्च मिला दूंगा इंडिकेटर के रूप में। जैसे मैं स्टार्च मिलाऊंगा तो ये ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है, ये ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। फिर इस ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स को जो मैं कॉनिकल फ्लास्क में रख के बैठा हूँ, तो उसमें ब्यूरेट से मैं टाइट्रेशन करूंगा किसके साथ, 0.01 नॉर्मलिटी का Na2S2O3 के साथ। जैसे ही मैं इसका ब्यूरेट के साथ इसका मैं टाइट्रेशन करवाऊंगा, तो जो ये ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स है ये कलरलेस हो जाएगा, ठीक है ना, ये सिंपल जो है कलरलेस हो जाएगा। जैसे कलरलेस हो जाएगा तो उस वॉल्यूम को अपन नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है, आई बात समझ में। ये जो वॉल्यूम आएगा मैं इस कॉन्सेंट्रेशन के साथ इस वॉल्यूम का मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरी I2 या फिर ऑक्सीजन के वॉल्यूम बताएगा, ठीक है, कि हाँ इतना ये वॉल्यूम अगर I2 का है तो ये भी वॉल्यूम क्या हो जाएगा मेरे पास, ऑक्सीजन का इतना ही वॉल्यूम होगा, यानी कि इतनी O2 डिजोल्व है इसमें, ठीक है, आई बात समझ में। फिर नाइट्रोजन कंटेंट के बारे में बताया था कि ये वाटर के साथ माइनर कॉन्स्टिट्यूंट है वाटर का, और पोल्यूशन ड्यू टू ऑर्गेनिक मैटर, जब भी ऑर्गेनिक मैटर के द्वारा पोल्यूशन होता है तो अपने को बताता है कि हाँ ये नाइट्रोजन है इस वाटर में, और ये फॉलोइंग फॉर्म्स में होता है, एक तो फ्री अमोनिया के फॉर्म में होता है, फ्री अमोनिया के बारे में मैंने बताया था कि ये रिसेंट पोल्यूशन ड्यू टू ऑर्गेनिक मैटर, जब भी ऑर्गेनिक वाटर में रिसेंट पोल्यूशन होता है तो अपने को शो होता है कि इसमें फ्री अमोनिया है वाटर में। अगर मैं इसको मेजरमेंट कैसे करता हूँ कि जब भी मैं अमोनिया गैस जो होती है वो कब निकलेगी, जब उसको मैं वाटर सैंपल को बॉयल कर दूंगा तो मेरे पास अमोनिया गैस निकल जाएगी, तो उसको मैं नोट डाउन कर सकता हूँ, ठीक है। और इसकी लिमिट क्या होती है, 0.15 मिलीग्राम पर लीटर इसकी लिमिट होती है, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनिक अमोनिया के बारे में बताया मैंने कि ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होता है वाटर में, तो अपन कह सकते हैं कि इसमें ऑर्गेनिक अमोनिया है। ये मेजरमेंट कैसे कह सकते हैं, जब भी मैं कोई भी जो सैंपल होता है जो मेरे पास है उसको बॉइलिंग करता हूँ, तो मेरे पास जो ऑर्गेनिया फ्री अमोनिया जो है वो मेरे पास रिलीज हो जाती है, उसको नोट डाउन कर देता हूँ, ठीक है। फिर फर्दर मैं इसको KMnA4 के साथ रिएक्शन करवाता हूँ, फिर इसमें जो बॉइल करता हूँ वो मेरे पास ऑर्गेनिक अमोनिया बचेगा, उसको मैं नोट डाउन कर लूँगा, तो फ्री अमोनिया प्लस जो ऑर्गेनिक अमोनिया होगा उसको मैं कह सकता हूँ केजल दास अमोनिया, ठीक है। इसकी लिमिट जो होगी 0.3 मिलीग्राम पर लीटर होगी, आई बात समझ में। तो ये लास्ट में मैंने बताया था नाइट्राइट और नाइट्रेट, इसमें से अगर आपको कोई डाउट हो तो मेरे को बताइए, है क्या डाउट किसी को,
कौन सा? ठीक है, अगर कोई नहीं समझ में आया कि मेरे को समझ में नहीं आया तो मैं वो बता देता हूँ वापस, मैंने एक बार पढ़ा लिया उसके बाद वापस रिवाइज भी करवा लिया। ठीक है, तो आज के लिए एनवायरनमेंट इतना ही, नेक्स्ट अपन देखेंगे बायोलॉजिकल रिएक्शन जो है वो क्या होती है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, फिजिकल देख लिया, केमिकल देख लिया, अब बायोलॉजिकल जो है वो अपन टर्म्स देखेंगे क्वालिटी ऑफ वाटर में। ठीक है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कैसे होता है वो देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक्स टू ऑल।